नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। एसआरए बिल्डिंग में लगी आग, 7 की मौत, 44 लोग हुए घायल, 4 की हालत बेहद नाजुक। घटना के 7 घंटे के बाद पालक मंत्री का दौरा, सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक। माया नगरी मुंबई से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 7 मंजिल इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 7 लोग की दर्दनाक मौत हो गई है, 51 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 लोग की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह आग गोरेगांव स्थित जय भवानी और समझ सृष्टि नामक 7 मंजिल इमारत में लगी थी। इस हादसे में बिल्डिंग के पार्किंग में खड़ी 4 कार और 100 से ज्यादा बाइक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गई दमकल की टीम, 14 से ज्यादा गाड़ियों पर किस तरीके से आग पर काबू पहुंचाया है, ये आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला आमदार कपिल पाटिल की जुबानी। रात को 2:30 बजे के दरमियान ये आग लगी है और 54 लोग अभी एडमिट हैं, और जो पुलिस ने जानकारी दी उसके हिसाब से 7 लोगों की डेथ हुई है। यहाँ जो चिंदी का व्यापार करने वाले लोग रहते हैं उसके से ये एक्सीडेंट हुआ है, और बहुत दुखद और दर्दनाक एक्सीडेंट है। छोटे बच्चे 2 हैं। एक तो चीज़ है कि जहाँ सोसाइटी रहती है, लोग रहते हैं, वहाँ इस तरह से गोडाउन बनाने देना एक बात है। वो लोग भी बहुत गरीब है, उनके लिए दूसरी जगह नहीं थी तो उन्होंने अपने सोसाइटी में ये सब चीज़ें रखी थी। अभी मसला ये है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बजाय जो 65 फैमिली, उस 63 फैमिली जो है विस्थापित हुई है, और बगल वाले बिल्डिंग के 8-10 फैमिली, उनको इमीडिएट सरकार ने रहने के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि माड़ा या एसआरए की जो या एमएमआरडी की जो गोरेगांव में 2-3 बिल्डिंग रेडी है या पानी की व्यवस्था है, वहाँ इन्हें टेम्परली शिफ्ट करना चाहिए, वो इमीडिएट उनको राहत दी जाए, ऐसे हमारी मांग। जिन लोग चाहते की मौत हुई, क्या उनके कॉम्पेंसेट की मांग करेंगे? नहीं, उनको कॉम्पेंसेट तो मिलना ही चाहिए। जिनको हुआ, माननीय पालक मंत्री साहब यहाँ आ रहे हैं तो उनके सामने यहाँ के स्थानीय लोग से बात रखेंगे, उनको मदद होगी, मगर सबसे पहले उन फैमिली को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, और ये काम आज शाम तक हो जाए, ऐसे मेरी पालक मंत्री से बात की। क्या माहौल क्या था बाद में, क्या कुछ? बहुत दर्दनाक के अगल बगल में लोग डर गए थे, और वैसे लोग ज़्यादा सफोकेट होते हैं, वो एक है। तो ये हमेशा दिखाई जाता है, जब आग लगती तो धुआं जो बन जाता है, कंजस्टेड एरिया रहता है, और उसकी वजह से लोग सफोकेट होकर अपनी जान गंवाते हैं। तो इस पर फायर ब्रिगेड, बाकी सब लोग बाद में अच्छा काम करते हैं, मगर सवाल है कि ऐसे होने, इस हादसा होने के पहले, अनहोनी होने के पहले इसे रोका जा सकता है, इस पर बीएमसी ने ध्यान देना चाहिए।